नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। क्या पढ़ने वाले हैं? तो डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस का ही अंग माना जाता है, तो प्रॉफिट लॉस का अगर अंग माना जाता है लेकिन एक अलग चैप्टर है, तो अलग चैप्टर की तरह ही हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि है बड़ा आसान सा चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है। और ये समझिए कि इसमें जितनी चीज़ें हम बताएंगे उससे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा कहीं पर भी क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए डिस्काउंट को समझते हैं। हमने यहाँ पर बताया कि जो डिस्काउंट होता है उसे हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है? तो डिस्काउंट यानी कि सबसे ये जो फेवरेट नेम है, ये महिलाओं का बड़ा फेवरेट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं है तो फिर काम उनका चलता नहीं है। तो डिस्काउंट क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है महिलाओं के लिए, और अक्सर लड़कों के लिए भी डिस्काउंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिस्काउंट को हम लोग कहते क्या हैं, तो हिंदी में इसको हम बुलाते हैं बच्चे, इसको कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट। और अगर छूट कहीं पर ना मिले, तो इसको भी हम लोग बट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा। दो नाम है इसके, डिस्काउंट, छूट, बट्टा। अब डिस्काउंट मिलता किस पर है, डिस्काउंट छूट किस पर मिलता है? तो हमेशा दोस्तों बड़ी ध्यान से अगर ये बातें सुनेंगे तो बड़ी अच्छी लगेंगी और कभी भी क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे। ये सारी कहानियां मैं इसलिए बताता हूं कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठनी चाहिए, छपनी चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि जो ये छूट होती है ये किस पर मिलती है। तो याद रखिए, जो छूट होती है एमआरपी पर मिलती है। एमआरपी क्या होता है? एमआरपी को कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमपी कहते हैं। एमपी यानी मार्क प्राइस, कितना प्राइस को मार्क किया गया है किसी भी पैकेट में। अब जितना पैकेट में अगर मार्क किया गया है, क्या आप जानते हैं क्या वो जो पैकेट है, वो जो वस्तु है, क्या उतने की ही होगी? क्या उसका कॉस्ट उतने का ही होगा? नहीं, उससे कम की बनती है। और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या किया जाता है? मार्क किया जाता है। तो अधिकतम मूल्य भी कहें तो हम कहते हैं एमपी को बोल रहे हैं। बात को समझना, थोड़ा सा हम प्रॉफिट लॉस पर चलेंगे, पूरा आपको बताएंगे एक बार, ठीक है? दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस बताएंगे। और यहीं पर हम आपको बताएंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। और यहीं पर हम आपको बताएंगे एमपी, एमपी यानी मार्क प्राइस। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं खरीद मूल्य। क्या कहते हैं? खरीद मूल्य। खरीद मूल्य का दूसरा नाम होता है, क्या होता है बच्चे? खरीद मूल्य का दूसरा नाम होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी आएगी। विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बिक्री मूल्य, बेचा हुआ मूल्य, बिक्री कर दी, बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य को हम क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। और एमपी को कहते हैं मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस भी कहते हैं। एमपी, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, इसी का दूसरा नाम ही होता है एमआरपी। क्या होता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम मूल्य। कहानियां चल रही हैं, इनको बड़ी ध्यान से समझना है आपको। अब एक चीज समझो कि अगर हम सीपी पर प्रॉफिट लेना चाहें, सीपी पर प्रॉफिट लेना चाहें, तो एसपी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चे? एसपी बन जाती है। और सीपी पर अगर हम प्रॉफिट लेना चाहें तब भी एसपी बन जाती है, और सीपी पर अगर हम लॉस लेना चाहें यानी हानि होती है तब भी एसपी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपने अगर कोई चीज़ 5 की खरीदी है और उस पर 5 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप उसको 5 पर 5 रुपया तुमको मिलेंगे, तो यानी 10 रुपए की आप इसको बेचेंगे। तो 5 रुपए से 10 रुपए बन गए। ये 10 रुपए क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस है, सेल कर दिया। विक्री मूल्य है, बिक्री मूल्य है, ठीक है? अब लॉस कैसे होगा? 5 रुपए की चीज थी, आप उस पर 1 रुपए की हानि चाहते हैं। 1 रुपए की हानि चाहता कोई नहीं है, लेकिन अगर 1 रुपए की हानि हो रही है 5 रुपए पर, तो कहेंगे 5 पर 1 रुपए हमें नहीं मिले हैं, यानी कि वो चीज हमें कितने की बिक रही है? 4 की बिक रही है। यानी 5 की खरीदी है और 4 की क्या कर दी है? सेल कर दी है। आप देखो ये सीपी है, सीपी से क्या बन गया? सीपी से एसपी बन गया, सीपी से ये भी एसपी बन गया, लेकिन ये एसपी प्रॉफिट का है, ये एसपी किसका है? लॉस का है। 5 से 4 का लॉस का एसपी है, ये एसपी प्रॉफिट वाला एसपी है, ठीक है? तो हमें ये सारी चीजें देखना है। सीपी पर प्रॉफिट और लॉस होगा तो एसपी बनेगा, और कभी सीपी पर जितने की खरीद कर लाए उतने की ही बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट लॉस,
नो प्रॉफिट लॉस होगा। बच्चे इतनी इतनी चीजें तो हमने आपको बता दी थी प्रॉफिट लॉस में कि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होता है, लेकिन बच्चे यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, और डिस्काउंट पढ़ने के लिए हमको ध्यान देना है ये जो डिस्काउंट होता है यह हमेशा एमपी पर होता है, मार्क प्राइस पर। क्या होता है मार्क प्राइस? मार्क प्राइस को हम अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। मार्क प्राइस को अंकित मूल्य कहते हैं। दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, खुदरा मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदरा मूल्य, खुदरा मूल्य भी कहते हैं। इसका जो तीसरा नाम है ये बाजार मूल्य भी कहते हैं, मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य। और सबसे अच्छा नाम इसका क्या है? पैकेट मूल्य। पैकेट पर क्या मूल्य है? पैकेट मूल्य। अच्छा, इसी पर डिस्काउंट मिलता है। खुदरा मूल्य जितना है उसी पर डिस्काउंट लोगे। आप गए मार्केट में, गए आपने देखा एक पैकेट है, आपने देखा कोई वस्तु है, उस पर पैकेट पर उसका 50 रुपये का एमआरपी पड़ा हुआ है। आप कोई किताब लेने गए, उस पर 50 रुपये का एमआरपी पड़ा हुआ है, तो आप तुरंत दुकानदार से बोलते हैं कि भैया क्या हमें इस पर छूट मिलेगा? तो आप ये तुरंत समझ गए हैं कि छूट हमेशा एमआरपी पर मिलती है। किस पर मिलती है? एमआरपी पर। सेलिंग प्राइस पर नहीं मिलती है छूट, एसपी पर नहीं मिलती है छूट, सीपी पर नहीं मिलती। आप बताओ जितने की हमारी लागत है क्या मैं उस पर छूट दे दूंगा? नहीं। मेरा ये मार्कर मैंने इसको बनाया है 10 रुपये का बनाया है, 10 रुपये मेरी लागत है, 10 रुपये मैंने इस पर खर्च किए हैं बनाने में, क्या मैं इस पर छूट दे दूंगा? नहीं, मैं इस पर छूट नहीं दूंगा। मैं इस पर छूट तब दूंगा जब मैं 10 का मार्कर मैंने बनाया था और इसका पैकेट जब मैं बना रहा था तो पैकेट बनाने के साथ हमने इस पर 20 रुपये अंकित कर दिए थे, और जैसे ही 10 रुपये के मार्कर को हमने 20 रुपये अंकित कर दिए है तो वो हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी एमआरपी हो गया। एमआरपी से कभी ज्यादा पर वस्तु नहीं बेची जाती है। एमआरपी अगर 50 की है तो कोई भी कस्टमर हो, कोई भी ग्राहक हो, ये इससे ऊपर की सामान नहीं लेगा, इससे ऊपर की सामान नहीं लेगा। एमआरपी मैक्सिमम, इतना अधिकतम मूल्य इस पर लगा दिया गया है, इससे कम देगा तो छूट है, इससे ऊपर बेचेगा नहीं। तो छूट आपको समझ में आई कि छूट कहां पर मिलती है? तो ध्यान रखें जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलती है बच्चे? तो डिस्काउंट हमेशा जो होता है वो एमआरपी पर मिलती है, एमपी पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, खुदरा मूल्य पर मिलती है, बाजार मूल्य पर मिलती है, पैकेट मूल्य पर मिलती है। बात क्लियर? इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अब यहां से खेल चालू होता है। ये तो इतनी कहानियां थी कि कैसे आपका माइंड एक सेट किया जाए कि छूट होती क्या है। अब आपका माइंड सेट हो चुका है कि छूट क्या होती है। छूट हमेशा एमपी पर मिलती है, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर मिलता है? तो सीपी पर मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर। जितने की खरीदे हो उस पर प्रॉफिट होगा, उस पर लॉस होगा। जितना रुपए तुमने अंकित किया है, जितना तुमने अंकित मूल्य बनाया है, उस पर हमेशा छूट दिया जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। बात क्लियर है? अब इसको बड़ी अच्छे से समझते हैं। देखो भैया, इस पे फार्मूला भी हम बता देंगे, ठीक है? अब भैया यहां पर हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 60 रुपये था और उस पर दुकानदार ने छूट दे दी। छूट भैया अंकित मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य 60 था, उस पर छूट दे दी कितने रुपए की? 20 रुपए की। पैकेट मूल्य था 60 रुपये, उस पर छूट कितने, डिस्काउंट कितना दे दिया? 20 रुपए का। तो आपसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा छूट कितने की है? छूट कितने की है? तो 60 में हमने 20 तुरंत घटा दिया, तो हम कहेंगे छूट कितने की है? तो 60 में 20 नहीं, एसपी कितने, क्योंकि छूट है यहां पर, विक्रय मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य कितने का है? छूट तो बता दिया है ना बच्चे, तो यहां पर विक्रय मूल्य पूछेगा तो आप कहोगे 60 में 20 रुपया छोड़ रहा है, तो 60 में जैसे ही 20 छोड़ेगा बचेगा कितना? 40। ये 40 क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगी। ये 40 क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगी। अब बच्चे एक चीज यहां पर और हम सीखेंगे, और हम सीखेंगे यहीं पर, अगर पूछता छूट परसेंट क्या है, क्या पूछता? छूट प्रतिशत क्या है? छूट प्रतिशत क्या है? यहां पर ये पूछ लेता,
ठीक है, यहाँ पर ये पूछ लेता छूट प्रतिशत क्या है, तब हम क्या कहते हैं कि पहले छूट पता करो, पहले छूट पता करो छूट है कितनी। तो हमने कहा छूट पता करना था तो 20 छूट है, कितनी है 20 है। और ये जो 20 रुपए छूट है ये मिली किस पर है, तो मिली है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे और इंटू कर देंगे 100। एक क्वेश्चन और हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ। हाँ देखो, अंकित मूल्य कितना था, 60 था, यहां पर हमने दे दिया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितने का था, तो विक्रय मूल्य था 50 रुपए का। एक दुकानदार 60 रुपए का अंकित करता है किसी पर पैकेट का मूल्य और 50 रुपए का बेच देता है, आपसे पूछेगा छूट कितने की है, कितने क्या पूछेगा छूट कितने की है, तो आप 60 में 50 घटा दोगे, क्या दोगे 10 रुपया छोड़ा है, छोड़ा जितना है वो छूट है। अब जब ये कहेंगे छूट तो 10 की है, लेकिन ये तुरंत इसके बाद कहेंगे छूट परसेंट कितना है, ये बड़ा अच्छा तरीका है। छूट परसेंट कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला भी अगर लिखना चाहते हैं छूट परसेंट का तो हम बता देंगे, लेकिन फार्मूला पर फोकस नहीं करना है, छूट परसेंट कितना है। तो पहले छूट परसेंट अगर पता करना है तो तुम्हें छूट पता होनी चाहिए, छूट परसेंट में छूट हमें पता होनी चाहिए, छूट कितने की है 10 की। ये जो 10 रुपया छोड़ा गया है, छोड़ा किस पर गया है, तो हमेशा जो रुपया छोड़ा जाता है वो अंकित मूल्य पर छोड़ा जाता है, जितने रुपए उस पर छपे होते हैं। तो छपे थे 60 रुपए, 60 पर 10 छोड़ा गया, यानी 60 से 10 की बात की जा रही है, इनटू 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 × 3 = 6 है, 50/3 यानी आ गया है आपका 16 सही 2/3%। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो इतना ये सारी चीजें हो गई छूट की। अब इसी में हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हम और समझते हैं और क्वेश्चन वन बाय वन एक एक क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये इतनी चीजें हमने बता दी है और इस पर आप लोग काम करिए कि कैसे हमको ये सब चीजें सीखनी है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्या है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या है बच्चे, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बढ़िया। तो कैसे करना है, वही चीजें सारी सीखनी है। तो पहला क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन, मैं पहला क्वेश्चन बड़ी बेसिक से बताता हूं और बहुत ही ध्यान से बताता हूं, बहुत ही टाइम लेकर बताता हूं, तो उतना ही टाइम लेकर आप भी समझिए अगर आपको डिस्काउंट अभी नहीं आता है तो। ठीक, आता है तो बड़ी स्पीड में कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, किसी मोबाइल का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, कितना है बच्चे 2000 रुपए। अंकित मूल्य यानी एमपी, जहां पर अंकित मूल्य की बात होगी वहां पर हम क्या लिखेंगे, एमपी कितना है 2000 रुपए है। आगे कह रहे हैं जो 15% 10% 20% के बट्टे पर, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, बट्टा कैसे डिस्काउंट परसेंट में कैसे लिखा जाएगा, 15% की अगर छूट है, 15% की अगर छूट है तो आप 15% को सबसे पहले भिन्न में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 15% को भिन्न में लिखना है, मैं बता देता हूं, 15/100 आप 100 करोगे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, यानी 3/3 कितना आ गया 3/20, और इसके आगे लिख दो छूट। अगर आपसे कोई कह दे 3/20 की छूट मिल रही है तो आप तुरंत क्या कहोगे, तुरंत क्या कहोगे कि 20 रुपए अगर मेरे पास होते तो उस पर 3 रुपए की छूट मिलती। ये नीचे वाली चीज क्या है, नीचे वाली एमपी है, नीचे वाली क्या है एमपी है, ऊपर वाला क्या है छूट है, ऊपर वाला क्या है छूट है। 20 रुपए अगर अंकित होते किसी भी वस्तु पर तो उस पर 3 रुपए छूट मिलती, तो वस्तु बिकती कितने की बेची जाती, तो आप कहते हैं अगर 20 रुपए अंकित मूल्य, नीचे वाला अंकित मूल्य होगा जब भी छूट की बात की जाएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं ना 15% की क्या है छूट है, 15% की क्या है छूट है। तो हम कहेंगे 20 रुपए पर अगर 3 रुपए छोड़े जाते तो विक्रय मूल्य क्या बनता, तो आप तुरंत कह देते कि सर जी विक्रय मूल्य आपका 17 बनता, कितना बनता 20 से 17 बनता। बात क्लियर है, 20 से 17 बनता। ऐसे ही 10% की छूट है, 20% की छूट है। अब क्वेश्चन हम करते हैं, आपको एक मैंने बता दिया है, आप इसी तरीके से इसको करिएगा। ठीक है, देखो किसी मोबाइल का अंकित मूल्य 2000 है, यानी एमपी कितना है, एमपी है 2000 रुपए। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं 15% छूट है, तो 15% छूट का मतलब क्या है, 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20,
आप लोग करिए इसको, मैं बार बार नहीं करूंगा इसको। 3/20 होती है, 3/20 होती है, नीचे वाला होता है अंकित मूल्य, यानी 20 की चीज थी उस पर 3 रुपए की छूट दी गई, 17 की बिकेगी। आगे कह रहे हैं 10% का डिस्काउंट है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10% की वैल्यू 1/10, नीचे वाला एमपी है 10, 10 क्या है एमपी है, अंकित मूल्य 10 रुपए अंकित मूल्य है, तो ऊपर 1 है, 1/10 है ना, तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया छूट, 10/1 की छूट, चीज कितने की बिकेगी, 9 की बिकेगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब बच्चे होता है 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, और 5 क्या है, 5 है एमपी, 5 क्या है, 5 एमपी है, और 5/1 की छूट है, 5/1 की छूट, वस्तु कितने की बिकेगी, 4 की। अगर इधर वाला कोई पार्ट इधर वाले पार्ट को काट रहा है तो आप काट देंगे, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल काट सकते हैं। तो देख लेते हैं, देखो 4 से इसको काटा, ये 4 × 5 = 20, अब डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 5 × 25 = 250, 57 × 153, 153। ये तुम्हारा क्या है एमपी है, ये तुम्हारा क्या है एसपी है, ये क्या है एसपी है, और ये क्या है बच्चे एमपी है, क्योंकि सब एमपी थे, ये एसपी है, तो ये एमपी 250, एसपी कितना है 150 है, एमपी 250, एमपी यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, तो यहाँ पर एमपी 250 है, यहाँ पर एमपी कितना है 2000 है, यानी यहीं पर कहेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, हमको 250 की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर कहते हैं 250 बराबर कितना है 2000 है, 250 बराबर 2000 है, तो इसको बच्चे काट लेंगे हम, इससे इससे को काटा कितना आ गया 1/25/8/200, कितना आ गया 25/8/200, यानी 1 बराबर आ गया 8, अगर 1/8 आ गया, अच्छा ये 57 × 153 है बच्चे, यहाँ पर 153 8 आ गया, अब 8 से गुणा मार दो, क्योंकि 1 बराबर अगर 8 है तो 8 से गुणा मारो, 8 × 24 = 4, यहाँ से लगे 2, 8 × 5 = 40, 40 × 42 = 2, यहाँ से लगे 4, 8 × 8 = 4, 12, 1224, 1224 क्या है, 1224 उसका एसपी है, याद रखिएगा 1224 इज द करेक्ट आंसर, एसपी बन जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा पूछा है ना, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1224 हो जाएगा, 1224, क्लियर है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ से आपको यहाँ पर देखना है कि जो एमपी दिया गया था एमपी को सीधा हमने बराबर कर दिया, क्वेश्चन में दिया एमपी के बराबर, एमपी हमारा 250 था, यहाँ पर एमपी कितना था 2000 था, यानी 250 बराबर हमने कितना कर दिया 2000 के कर दिया, 1/8 निकल आया, अगर 1 की वैल्यू निकल आई आंसर की मिल गई तुम्हें, 8 से गुणा कर दो 153 में, 8 का गुणा 153 में किया, 8 × 24 = 4, हाँ से लगे 2, 8 × 5 = 42, 2 हाँ से लगे 4, 8 × 8 = 12 आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाँ अब आपको फटाक से करना है भाई, कह रहे 20%, 30%, 40% के बट्टे, बट्टे यानी बट्टे कुछ नहीं होता है, बट्टा यानी डिस्काउंट होता है, छूट 20% है, तो आप 10% ले लिया करो, 10%, ठीक है, 10% का 20% कितना होता है, तो 10% का 20% होता है 2, अब निकालना 10% का 20% 2, 10% का 30% 3, 10% का 40% 4, 10% का 70% 7, 10% का 80% 8, ठीक है, तो 10% का 40% कितना होता है 4, और 4 का छूट है, बट्टा है, डिस्काउंट है, तो 10% पर 4 की छूट देगा तो कितने का हो जाएगा 6 का हो जाएगा, 10% पर 30 की छूट यानी 3 की छूट दे रहा है, पहले 20 की दे रहा था, 10% पर 20 यानी 8 की हो जाएगी, 3 की दे रहा है तो 7 की हो जाएगी, और 10% पर 40% यानी 10% का 40% होता है 4, 10% पर 4 की छूट 6 की हो जाएगी, जो जिससे कट रहा है उसको काट देंगे, और अगर नहीं काटना चाहते हो तो आपका आंसर सीधा डायरेक्ट निकल आएगा, ये देखो क्या है, गुणा किया तो 10 × 100 = 1000, ये है क्या, तो बच्चे ये एमपी है, क्या है एमपी है, और ये क्या है एसपी है, तो 1000 आ गया, ये अनुपात लगा दो, 8 × 7 = 56, और 56 का गुणा करना है 6 से, 6 × 7 = 42, 8 × 16 = 6, यहाँ से लगे 1, 8 × 32 = 33, ठीक है, चलो गुणा कर लेते हैं, 8 × 7 = 56 × 6, 6 × 36 = 6, यहाँ से लगे 3, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 33, कितना आ गया 336। तो भैया जो 1000 की चीज़ होगी यहाँ पर दिख रहा है, अगर जो चीज़ 1000 की होगी
उस पर डिस्काउंट मिलकर वो चीज़ कितने की हो जाएगी, 336 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 336 की हो जाएगी। तो यहाँ पर 1000 क्या है, एमपी है, यहाँ पर 336 क्या है, एसपी है। तो यहाँ पर हमारा 1000 एमपी है, लेकिन क्वेश्चन में एमपी कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 10000 है। तो इसके बराबर हम क्या कर देते हैं, 10000 कर देते हैं। 1000 की वैल्यू अगर 10000 है, यानी 10 बढ़ा है, तो आप क्या करोगे, इसमें भी 10 बढ़ाकर आंसर दे दोगे, 3, 3, 6 और 10। बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीन पर चलते हैं। अब कह रहे हैं विक्रय मूल्य के अंकित मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 45 रुपये में बेची जा रही है, अगर बच्चे 10% की छूट दी जाएगी, 10% की छूट, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि 100 की सामान थी और इस पर 10% यानी 10 रुपये छोड़ा जा रहा है, 90 की चीज़ हो रही है। रेशियो बनाया तो कितना बन गया, 10 और 9 का। 10 रुपये की सामान थी तो 10 क्या था, एमपी था, 9 क्या था, 9 एसपी था। 10 रुपये की सामान थी, 9 रुपये की बेची जा रही थी 10% की छूट पर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर भिन्न बना लेते हैं तो और अच्छा हो जाता आपके लिए। भिन्न जैसे बना लेंगे कि 10% का छूट, यानी 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, 1/10 की छूट, 1/10 की छूट है, तो ऊपर वाली छूट है, नीचे वाला छूट किस पर मिलती है, तो हमें मिलती है छूट एमपी पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है, 10 है। अंकित मूल्य एमपी कितना है, 10 है, और 10 पर 1 की छूट है, तो 10 पर अगर 1 रुपया छोड़ा जाएगा तो चीज़ कितने की बिकेगी, तो आप कहोगे 9 की बिकेगी। ये क्या है, ये तुम्हारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, क्लियर बच्चे? 10 की चीज़ अगर 9 की बिक रही है तो 10% की छूट है। यहाँ पर कह रहे हैं छूट देकर 45 रुपये में बेची जा रही है। अगर 45 रुपये में बेची जा रही है, बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। यानी 45 रुपये क्या है, एसपी है, तो हम कहेंगे यहाँ 9 रुपये एसपी है। 9 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चे, 45 के बराबर है। अगर 9 को हम 45 कह रहे हैं तो हम देख रहे हैं 9 से 45 कितने गुना है, 9 × 45 5 गुना है, यानी 1 की वैल्यू 5 है। अगर 9 से 45 5 गुना है तो 10 को भी 5 गुना कर दो, 5 से गुणा मार दो, 5 × 10 = 50, आंसर कितना आ गया, 50। एमपी कितनी है, 50 है। एमपी कितनी है पूछा गया ना, अंकित मूल्य बताओ, तो अंकित मूल्य कितना है, 50 है। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चले, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर चार है, इसको बड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं श्रुति ने एक सेलफोन बेचा जिसे विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य बता दिया है, कितना है, 1800 है। कितना है बच्चे, 1800 है। सेलफोन के अंकित मूल्य पर 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे लगाए जाते हैं, बट्टा कुछ नहीं होता है, सब छूट होती है, ठीक है, बट्टा लगाया जाता है, बट्टा यानी छूट। 20% का बट्टा लगाओगे तो बच्चे हमने बताया है ना, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू भिन्न में 1/5 होती है, 20 × 500 1/5, यानी कि 5 पर नीचे वाला एमपी है, नीचे वाला एमपी है। हम ऐसे ही कर लेते हैं, 5 पर ऊपर एक छूट दी है, चीज कितने की बिकेगी, 4। ये एमपी अंकित मूल्य, ये एसपी। 10% की फिट छूट है तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, ये 20% की थी छूट। जब 10% की छूट भैया मिलेगी तो आप कहोगे 10% की वैल्यू सर जी 1/10 होती है, यानी 10 उसमें अंकित मूल्य है, एमपी है, और 10 पर 1 की छूट है, ऊपर वाली छूट होती है, तो चीज बिकेगी कितने की, सेल कितने की जाएगी, 9 की, 9 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 1800 बता रहे हैं विक्रय मूल्य है बच्चे। यहाँ पर अगर 1800 विक्रय मूल्य है, हमने बताया था जो जिससे कटे उसको काट दो, 4 10 से काट रहे हैं ना, पहले ही काट दो, 2 × 4 2 × 5 = 10, 5 × 5 से कितना जाएगा, 25, 9 × 2 से कितना जाएगा, 18। ये क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये एसपी है। हम कहेंगे 25 क्या है, 25 सर एमपी है, एमपी है। यानी 25 की अगर चीज़ कोई अंकित की जाती, पैकेट पर अगर 25 रुपया पड़ा होता तो वो चीज़ बेची 18 की जाती, कितने की बेची, 18 की बेची जाती। तो यहाँ पर 18 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है कि बेची, यहाँ विक्रय मूल्य कह रहे हैं ना,
ये भी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना 1800, यहाँ पर कितना 18, यानी 18 की वैल्यू बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई 1800, और 18 से 1800 काट देंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो याद रखो, याद क्या रखना है, एक की वैल्यू दिख रही है ना, एक की वैल्यू 100 है, दो जीरो इधर भी चिपका दो, तो 25 की वैल्यू 2500 हो जाएगी। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक फ्रिज का मूल्य 12000 है, उसको 30% छूट और 20% का लाभ होता है, ठीक है। इस पर एक मैं तरीका भी बताऊंगा और एक बेसिक पहले बता देता हूं, है ना। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित दो चीजें तुमको देखनी है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पता करना है। कभी क्रय मूल्य देंगे, अंकित मूल्य पता करना होगा, कभी अंकित मूल्य देंगे, क्रय मूल्य पता करना होगा। दो चीजें पता करनी है, ठीक है। यहां पर ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। एक फ्रिज का मूल्य 12000 है, यानी फ्रिज का मूल्य अगर 12000 है तो बच्चे ये अंकित मूल्य है, क्या है, अंकित मूल्य है। उसको 30% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। बेसिक से करते हैं, हमने माना अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए है। इस पर 30% छूट देने के बाद, अगर इस पर मैं 30% की छूट दे दूं, 30% 100 का 30% होता कितना है, 30 होता है। अगर इस पर 30 की मैं छूट दे दूं 100 रुपए पर, ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, इस पर 100 रुपए पर 30 की छूट दे दूं, चीज कितने की बिकेगी, तो चीज बिकेगी 70 की। कितने की बिकेगी, 70 की। 70 बच्चे क्या है, तो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है। 100 क्या है, एमपी है। किसी वस्तु पर 100 रुपए छपे थे, मान रहे हैं अभी, अब समझना, 100 रुपए किसी पैकेट पे छपे हुए थे, उस पर 30% यानी 30 रुपए की छूट दी, 70 रुपए की बेच रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि छूट देने बेचने पर भी 20% का क्या होता है, फायदा होता है, 20% का फायदा होता है। ये 70 रुपए में बेच रहे हैं तब भी 20% का फायदा है। अच्छा, 20% का फायदे का मतलब आप दो तरीके से इसको कर सकते हो, सीपी निकालने के लिए। आप 20% का फायदा का मतलब होता है 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, और 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी हम कह सकते हैं 5 की चीज़ में 6 की बेच रहा हूँ, 5 की चीज़ में कितने की बेच रहा हूँ, 6 की बेच रहा हूँ, तभी तो हो जाएगा 20% का लाभ होगा, बेचने पर भी 20% का लाभ है, है ना। तो 5 की चीज हम 6 की बेच रहे हैं, यहां पर 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 70 के। तो हम ये कह सकते हैं 6 की वैल्यू अगर 70 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 6/ किसके बराबर होगी, 1 की वैल्यू, 6 की वैल्यू अगर 7 के बराबर है, किसके 7 है ना, यहाँ 70, तो 1 की वैल्यू 70/6 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 70/6 के बराबर है, ठीक है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से गुणा मार देंगे, 5 से 35, 350/6, आपको क्या दिया गया, आपको एक फ्रिज का क्या दिया गया, 12000 रुपए दिया गया है, तो 12000 से सीधा गुणा मारना है इसमें, ठीक है, क्योंकि 100 की वैल्यू 12000 है, 100 की वैल्यू 12000 है, और 12000 का हम निकालेंगे तुरंत, ऐसे कर लो, देखो 100 की वैल्यू 12000 है, दो जीरो इससे काटे, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 120, यानी 120 से गुणा मार दो, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, 6 × 12 कितना देगा, 35 × 70, 35 × 70 और 2 जीरो 7000, तो 7000 तुम्हारा फ्रिज का क्रय मूल्य आ जाएगा। ऐसे करना था, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस लग रहा है। अब करना है कैसे हमको, एक चीज़ और यहाँ पर हम बता देते हैं, यहीं पर हम लोग जान दो 70 का इंटू करके कर लेते हैं, 70, एक चीज़ और बता देते हैं यहीं पर आपको, यहाँ पर हमको 70 एसपी मिल गई ना, तो एसपी से सीपी जाने के लिए नीचे प्रॉफिट करते हैं, तो 100/120 कर दो, 100/120, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, 700/12, ये 700/12 क्या है, ये सीपी है, सीपी है, कब की सीपी है, जब एमपी तुम्हारा 100 हो, तब सीपी कितनी, 700/12 होगी। तो यहाँ पर कितना है, 100 बराबर कितना है, वहाँ 12000 है, तो 120 आ गया, एक की वैल्यू 120 से गुणा मार दो, जीरो 12 से 12 कैंसिल हो गया, जीरो तो कटा नहीं है, तो 3 × 0 7 के आ गए, 3 × 0 7000, ठीक है। ये भी बड़ा समझने में हमको
थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, हमको करना क्या है बस उतना समझो। अब क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बेचने पर भी 20% का फायदा होता है, इतनी छूट देने के बाद भी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, इतनी छूट देने के बाद भी इतना फायदा हो रहा है, वाह इतनी छूट देने के बाद भी इतना फायदा हो रहा है, ऐसा जब भी आ जाए जहां पर डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट हो या प्रॉफिट या लॉस हो, जहां पर डिस्काउंट के साथ या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, आपको क्या करना है, 100 और 100 100 और 100 डिस्काउंट हमेशा अगर 100 में तुमने घटाया, एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको एमपी और सीपी कैसे, एमपी सीपी और एमपी का रेशियो पता करना होता है, तो सीपी रेशियो एमपी, सीपी अपॉन एमपी, जब 100 में हम डिस्काउंट को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सीपी डिस्काउंट परसेंट, और एमपी कब निकलेगा, जब 100 में प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे और 100 में अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, ये आपको याद रखना है और इसी पर सारे सवाल आगे होने हैं, ठीक है। जैसे करें 30% की छूट दी जाती है, 30% की छूट डिस्काउंट हमेशा 100 में घटेगा तो सीपी बन जाएगा, तो 70/ यहाँ पर प्रॉफिट है ना, लाभ क्या है, लाभ है, तो 20% का लाभ है तो 100 में लाभ तो जुड़ेगा, 100 में जैसे ही लाभ को जोड़ा कितना आ गया, 120 आ गया, तो हमें यहाँ पता चल गया सीपी ऊपर वाला 70 था, नीचे क्या है एमपी है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सीपी अनुपात एमपी 7:12 है, अगर सीपी 7 है एमपी 12 है, और क्वेश्चन में एमपी कितना है, एमपी क्वेश्चन में 12,000 है, कितनी है 12,000, फ्रिज का मूल्य एमपी कितना है 12,000 है, यानी 12 की वैल्यू अगर 12,000 है बच्चे, तो 12 से इसको काट देंगे कितनी आ जाएगी 1,000, अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो सीपी निकालना है, आप इधर गुणा मार दोगे 3 0 लगा दो, कितनी हो जाएगी 7,000, 7,000 सीपी कितनी हो जाएगी 7,000, क्लियर, इतनी बातें, अगले क्वेश्चन पर। देखो वाह 15% बट्टे पर बेची जाती है तब भी 18% का लाभ होता है, 15% बट्टे पर दी जा रही है तो हम कह देंगे 15% बट्टा है तो 100 में घटा दो, तो 100 में जैसे ही बट्टा घटाएंगे तो बच्चे आ जाएगा 85/, अब प्रॉफिट होगा तो जोड़ा जाएगा 100 में, प्रॉफिट 18 है तो जोड़ दो 118, बच्चे ये तुम्हारा सीपी है और ये तुम्हारा एमपी है, इतनी बात क्लियर पहले ही हमने कर दी थी, ठीक, तो 85 और 118 आ गया है, यहाँ पर क्या करें, सिलाई का मशीन का क्रय मूल्य बताइए, एमपी 118 है वहाँ पर कितना है 36 है, ठीक है बच्चे क्लियर है, 15% बट्टे पर बेची जाती है, हाँ बिल्कुल सही है, तो अब हमको देखना है ये 118 कट रहा है कि नहीं, हमको लग रहा है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उधर से किताब ले दो, उधर होगी उधर, यही है क्या, हाँ थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसमें क्या मिसप्रिंट है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कट नहीं रहा है ना, 3600 एमपी है तो इससे कटेगा नहीं, 8 1 9 1 10 ये नहीं कट रहा है, तो इसमें देख लेते हैं हम क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा पॉइंट में ही आ रहा है, ठीक है तो पॉइंट में ही आ रहा है, ऐसा कटने वाला इन्होंने लिया ही नहीं है कुछ, तो इसको क्या करेंगे हम सीधा 118 के बराबर कर देंगे, 118 के बराबर सीधा क्या कर देंगे 3600, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3600/118, 118 बराबर अगर 3600 मानने तो 1 की वैल्यू 3600/118 हो जाएगी, ठीक है, और सीपी निकालना है तो सीपी 85 है इसलिए 85 से गुणा कर दो, बच्चे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, तो इसका आंसर आ रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर है, 25/93.2203 25/93.2203 ये आंसर आ रहा है,
क्योंकि कट नहीं रहा है, पहले ही हमें लग रहा था कुछ रॉन्ग है, तो कटने वाली वैल्यू देंगे, जैसे 118 है तो 118 से कटने वाली वैल्यू इधर देंगे, है ना, जो हमारा अंकित मूल्य देंगे। बात क्लियर है कि नहीं? चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, अंकित मूल्य पर क्या कह रहे हैं, 12 से 1/2% का बट्टा देकर 25% का क्या होता है, लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% का बट्टा देकर भी अगर क्या कह रहा है, 25% का लाभ करता है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो हो जाएगा 200 रुपए अंकित मूल्य, बस वैसे ही करना है। 12 से 1/2% किस में जोड़ना है, तो आप कहोगे अंकित मूल्य डिस्काउंट जो होता है घटाते हैं, तो 100 में डिस्काउंट जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, घटा दो तो आ जाएगा 87.5, 100 में घटाया, और नीचे 25% का लाभ है तो 125, ये हटाया तो नीचे 0 आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 25 × 125 = 0, 25 × 75, 25 × 125, 5 × 50 = 5 × 7 = 35। ये 7 क्या है, तो ऊपर वाला डिस्काउंट जिसमें घटाते, 100 में डिस्काउंट घटाएंगे तो सीपी मिलता है, और नीचे वाला क्या था, 100 में अगर प्रॉफिट जोड़ रहे हैं तो एमपी मिलता है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो सीपी हो गया 7, एमपी हो गया 10, क्वेश्चन में एमपी दिया गया, अंकित मूल्य कितना है 200 है, यानी 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के बराबर है। अगर 10 की वैल्यू 200 के बराबर है बच्चे, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के। अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 20 का गुणा 7 से मार दो बस, तो 2 × 7 = 14, यानी 140 आंसर आपका है। 140 क्या है, क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। 30% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। 30% की छूट देकर 100% अंकित मूल्य, परसेंट नहीं 100 मान लो, 100 क्या है, एमपी है। किसी चीज़ पर अंकित किए गए 100 रुपये, उस पर कह रहे हैं 30% की छूट दिया है, 30% की छूट दिया है, यानी 30% की छूट देंगे तो चीज़ कितने की बिकेगी, 70 की बिकेगी, कितने की बिकेगी, 70 की बिकेगी। कह रहे छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, हम उस तरीके से बेसिक भी कर सकते हैं, और 20% का लाभ लेना है तो ये 70 पर बेचने पर भी हम कहेंगे 20% का लाभ हो रहा है, तो इनटू बेसिक पहले बता रहे हैं 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 × 120, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया 7000, 7000 बटे कितना, 120। ये 7000 × 120 कितना है, ये तुम्हारा क्या है, सीपी है, और ये तुम्हारा क्या है, एमपी है। तो सीपी से एमपी देखो कितना ज़्यादा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन चलो देख ही लेते हैं, कर लेते हैं। तो सीपी से कितना ज़्यादा बढ़ाकर रखना है, तो सीपी से ये कितना ज़्यादा है, तो हम 100 में घटाएंगे इसको, 100 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12000, 12000 में 7000 गया कितना आ जाएगा, 5000, 5000 बटे कितना आ जाएगा, 120। और डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही, अच्छा सीपी से बढ़ाना है ना, तो नीचे ये रखेंगे 7000 × 120 और इनटू कितना है, 100, ये 120, ये 120 कट जाएगा, 3 × 0 ये कट गए, आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 500 × 500, ये बिल्कुल बेसिक मैं कर रहा हूँ इसको, 500 × 7, तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 7 = 49, 1 × 50 = 7, 1 + 7 = 7, 71 = 7%, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बेसिक से अगर करेंगे। लेकिन इसके लिए हमने बताया ना अभी तरीका बताया था कि आप सीपी और एमपी का रेशियो बनाओगे। सीपी क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा घटेगा 100 में, तो 100 में डिस्काउंट कितना है, 30% का, तो 70 हो गया, 100 में घटा दिया डिस्काउंट को, 20% का प्रॉफिट। एमपी क्या होता है, 100 में प्रॉफिट जुड़ेगा, यानी 100 पर 120 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से 12। हम वो कह रहे सीपी से एमपी कितना ज़्यादा होगा, तो आप बताओ सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है,
ज्यादा किस पर है, सीपी पर। तो हम कह रहे हैं सीपी पर सात पर कितना ज्यादा है, तो पांच ज्यादा है, पांच ज्यादा है इंटू 100%। तो 500/100 आ गया डायरेक्ट, 500/7 आंसर 71 सही 3/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे क्लियर की नहीं, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन, बस इतना ही करना था, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार कोई वस्तु 40% की छूट देकर भी 25% के लाभ पर बेचता है, 40% की छूट देकर भी। तो हम कहेंगे वही कर देंगे, छूट 40 की है तो सीपी और एमपी का रेशियो बनाएंगे। सीपी यानी 40 छूट दे रहा है, तो 100 में 40 घटा दो कितना आ जाएगा, 60 अनुपात। एमपी प्रॉफिट होगा, जुड़ेगा लॉस होगा, तो घटेगा 100 में, प्रॉफिट है तो 25 में प्रॉफिट जोड़ दो, 100 में 25 जोड़ दो, प्रॉफिट 25 क्या, तो 125। क्या कह रहे हैं, क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, तो 60 से ये ज्यादा कितना है, तो आप कहोगे 60 से ये 25, 40, 4, 2, 6, 65 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 65 ज्यादा है। ज्यादा किस पर है, तो बच्चे ज्यादा 60 पर है, तो हम कह देंगे 60 पर ज्यादा कितना है, 65 ज्यादा है इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 5 10, 5 से गुणा मार दो, 25 के 5 हाथे लगे, 2 5 6 30, 30 2 32 बटे कितना है 3। तो इसको सॉल्व करना है, 3 1 3 0 3 8 24, 1 25, 1/3%। ये आ गया 108 से 1/3% है कि नहीं, 108 सही 1/3%। ये आपका क्या है, आंसर है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य इतना ज़्यादा अंकित किया गया है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 के बाद 10 पर। बड़ा आसान सा लगेगा अगर आप बहुत अच्छी तरीके से एक बार कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे। जब मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करने पर आधारित हो, तब उदाहरण सीसा सीना की एक सेलफोन का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। सीना के एक सेलफोन का सूची मूल्य भी अंकित मूल्य होता है, सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% क्या है, अधिक है। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य से कह रहे हैं, तो क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना है, सीपी 100 है, तो अंकित मूल्य 100 से कितना ज़्यादा है, 115 ज़्यादा है, ये एमपी है। अब सीपी और एमपी पहले ही बता दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे वह 30% की छूट पर बेची जाती है, छूट किस पर मिलती है, सीपी पर या एमपी पर, एमपी पर मिलती है, तो छूट 30% की है। अगर 115 100% है तो 30% की छूट देंगे तो 70% वैल्यू ये बचेगी, यानी 70/100, 115 पर 30% की छूट है यानी 70/100 कर देंगे, ठीक है 70/100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 5 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 1 7 3 10 के 0 हासिल लगे 1, 7 1 7 1 8 कितना जाएगा 80, 805/10। और जैसे ही बच्चा हम यहाँ से 10 हटाएंगे तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये है क्या, ये क्या है, ये तो एसपी है, एसपी है, क्या पूछ रहे हैं। इस प्रकार सेल फोन पर हमारे परसेंट लाभ या हानि बताओ, 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी और सेल एसपी कितने की हो गई, 80.5 की हो गई, 100 की खरीदी है 80.5 की बेच दी है, तो कितने का घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है ना, फायदा तो हो नहीं रहा है क्योंकि 100 की खरीद कर कम में बेच रहे हैं, 80.5 की बेच रहे हैं, हम कहेंगे 19.5 का क्या है, 19.5 की क्या है, हानि है, क्या है, हानि है। लेकिन 100 पर चेक करेंगे तो परसेंट लगा देंगे, 19.5% की क्या है, हानि है। तो हमारे परसेंट लाभ या हानि, हानि पूछा है तो हानि है, कितना आंसर आ जाएगी, 19.5% की हानि। क्लियर, अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 45% अधिक है, क्रय मूल्य से कह रहे हैं ना, तो क्रय मूल्य 100, जिससे कंपेरिजन करते हैं उसको 100 मानते हैं, जिससे देखते हैं तो क्रय मूल्य से देख रहे हैं तो 100 क्रय मूल्य को माना, और 45 अधिक है तो विक्रय मूल्य यानी एमपी अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है, एमपी को अंकित मूल्य कहते हैं, सीपी को क्रय मूल्य कहते हैं, 100 से 145 कर दिया।
आगे क्या कह रहे हैं कि 45 इस पर 45% की छूट दे रहे हैं, तो आप कहोगे इनटू 45, 35% की छूट है यानी 65%, बताओ इसका कितना है, तो 45 का 65% बटे कितना कर दोगे 100, जैसे ही परसेंट हटेगा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर दे देना है। सॉल्व करने से अच्छा है कि आप सीधा क्या कर दो, गुणा मार दो, नीचे दो जीरो हैं, दो अंकों पर दशमलव लगा दो, ठीक है, तो गुणा ही कर लेते हैं। 55 के 5 हासिल लगे 2, 5 को 20, 20 2 22 के 2 हासिल लगे 2, 5 के 5 6 7, 725 इंटू 6, 6 5 30 के 0 हासिल लगे 3, 6 4 को 24, 24 3 27, 6 4 को 24, 24 3 27, 2 6 के 6 8, 5 2 4 9, तो इसके नीचे बटे 100 है ना, जब इसका इसका गुणा किया तो इतना आया, इसके बचे बटे क्या है 100 है, और जैसे ही दे दो जीरो हटाएंगे दो अंकों पर दशमलव लग जाएगा। देखो भैया हानि हो रही है कि प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये की चीज़ थी 94.25 में बेची जा रही है, आंसर कितना आ जाएगा, 94 घटाना है तो 5.75, 5.75 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और 100 पर चेक करें तो परसेंट लगा दो, 100 पर हमेशा, अगर 100 पर कहें 5.75 की आने तो कितना परसेंट है, तो 100 पर 5.75 ही परसेंट है। अगर 100 पर 10 रुपए की हानि हो रही है, 10 रुपए की, 10 रुपए की हानि है तो पूछेंगे कितना परसेंट है, तो 100 पर हमेशा केवल परसेंट लगा देते हैं, 10% की हानि हो रही है, ठीक है। आगे इसमें आंसर आपका कितना आ रहा है, तो आंसर आ रहा है, हाँ क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन था 11 नंबर, तो बिल्कुल सही है 11 नंबर का आंसर, मैं बता चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ 5.75% की हानि, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा आंसर इसलिए चेक करना होता है क्योंकि गलत ना जाए आप सभी के पास। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य 100 थी उससे अधिक अंकित कर दी कितने की, 120 की, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है CP, लागत मूल्य CP, ये तुम्हारा क्या है MP, 120 अधिक अंकित कर दी है, और उस पर नगद खरीद पर 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है, तब उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होता है। अगर 120% पर 10% का बट्टा देगा तो 90 की चीज़ पर, 10% बट्टा यानी छूट, 10% की छूट देगा तो 90% की चीज़ हो जाएगी, तो 120 का 90% यानी 90/100 निकालना है, तो 0 0 काट दिया, 12 का 9 से गुणा किया, 12 9 108, ये 108 क्या है SP है, SP है सेलिंग प्राइस है, 100 की चीज़ थी 108 की बेच दिया, 8 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 100 पर चेक कर रहे हैं तो 8% का क्या हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ, 8% का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। बच्चे बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो जल्दी से, जहां पर बैठे हैं वहां पर बताइए, हाँ समझ में आ रही है, ठीक है। तो छठे नंबर पर चलते हैं, छठा नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, छठा नंबर देख लेते हैं। देखिए डिस्काउंट में 2 वीडियो पर्याप्त हैं, हम इसमें आपको थ्योरी पूरी करवा दे रहे हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे जो मिसलेनियस होंगे, अभी तो टाइप वाइज चल रहे हैं, टाइप आप पढ़ रहे हो, अभी आप पठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, अंकित मूल्य यानी हम कह देंगे ये टाइप अच्छा टाइप है, MP कितना है, MP कितना है 1600 है, और कह रहे हैं तो क्रमागत बट्टा देने के बाद उसका मूल्य 1224 हो जाता है, बात क्लियर है कि नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, ऐसे करते हैं, कह रहे हैं अंकित मूल्य 1600 है यानी MP कितना है 1600 है, और इस पर क्या कह रहे हैं कि 2 बट्टे देने के बाद जो SP बनता है, क्योंकि छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगी, छूट देने के बाद तुरंत क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी SP बन जाएगी यानी विक्रय मूल्य बन जाएगा, तो 1224 विक्रय मूल्य बन जाता है, कितना बन जाता है 1224 बन जाता है, 1600 की चीज 1224 की कब बनी है, जब यहां पर कह रहे हैं क्रमागत बट्टे देने के बाद, कितने क्रमागत बट्टे हैं, 2 क्रमागत बट्टे हैं, 10% का और दूसरा तुम्हें निकालना है, दूसरा कितना बट्टा दिया गया,
फर्स्ट बट्टा हमें पता है, पहला वाला फर्स्ट बट्टा क्या है, 10% का, 10% का मतलब होता है 1/10, अगर 10 की चीज थी उस पर एक छोड़ दिया गया है, यानी वस्तु 9 की बिक रही है, दूसरा वाला बट्टा पता ही नहीं है, तो भैया क्या करेंगे हम, जो कट रहा है उसको सबसे पहले काट ही देंगे, जैसे 0 से ये 0 काट दो, ऐसे 9 से इसको काटो, तिरछा नहीं काटेंगे इसको, डायरेक्ट काटेंगे ऐसे, ठीक है 9 से काटो इसको, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 9 × 9। दूसरा बट्टा निकालने के लिए हम बता रहे हैं सेकेंड, सेकेंड बट्टा का रेशियो पता चल जाएगा आपको, किसका रेशियो पता चल गया, MP और SP का, तो 9 से काटा तो 9 × 9, 9 × 3 = 32, 9 × 3 = 27, 5 × 6 = 54, 136, यहाँ पर आया कितना, 160। पहला वाला तुम्हें रेशियो पता था 10 से 9, यानी 10 से 9 10 पर 1 का बट्टा मिल रहा था, 10 पर 1 की छूट मिल रही थी, यहाँ पर 160 की चीज है, इसको और काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कर सकते हैं, 160 की चीज 136 की हो रही है, 160 की अगर चीज़ है तो छूट 160 पर मिल रही है, कितनी छूट मिल रही है, कितनी छूट मिल रही है, तो आप कहोगे 60 में सर जी 36 घटा दो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 आ गया, ये जो 24 की छूट मिल रही है ये 160 पर ही मिल रही है ना, 160 है क्या, MP है, MP पर मिल रही है, इनटू कितना, 100%, 0 से ये 0 कैंसिल, 4 × 16, 4 × 6 = 24, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, हाँ 2 से इसको काट दो, 2 × 3 = 6 और 5 × 3 कितना आ गया, 15%। तो बच्चे दूसरा वाला जो डिस्काउंट था वो कितना था, 15% का था, कितना था, 15% का था, अब 160 पर 24 निकालोगे कितना है, तो 24/160 × 100% कितना आ जाएगा, 15% का बट्टा था, क्लियर। देख लो अगले क्वेश्चन में फिर इसी टाइप का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 600 रुपये है, और 2 इस पर बट्टे दे दिए तो कितना हो जाता है, 432 हो जाता है, 432 हो जाता है। तो पहला बट्टा हमें पता है, फर्स्ट वाला बट्टा पता है, हम बट्टा पता है तो बट्टा कितना है, 10% का है, अगर 10% का बट्टा है तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी 1/10 का बट्टा, 1/10 की छूट, यानी 10 की चीज 10 पर 1 की छूट देंगे तो कितने की बिकेगी, 9 की बिकेगी, तो हम कह रहे हैं 10 की चीज 9 की बिकेगी, अगर यहीं से इस पर बट्टा निकालना, 10 की चीज़ अगर 9 की है तो 10 पर छूट कितने की है, आप कहोगे 1 की छूट है, ये जो 1 रुपया छूट है ये किस पर है, 10 पर है, वैसे ही देखो लिख गया कि नहीं, 1/10, 1/10 इंटू जहाँ 100 निकालोगे और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। अच्छा 10% को हम 10 से 9 लिख भी रहे थे तो क्लियर है। अब दूसरी वाली लाइन हमको अगर क्लियर करनी है, दूसरी वाली लाइन अगर पता करनी है, तो 10 से 9 पहला वाला बट्टा हो गया, पहला बट्टा देंगे तो 10 अगर अंकित मूल्य होगा तो 9 SP बन जाएगा। दूसरा बट्टा हमको निकालना है, दूसरे बट्टे के लिए हमें MP और SP निकालना है, दूसरे बट्टे के लिए, तो इसके लिए हमें काटना पड़ेगा, 0 से 0 काट दिया, 9 से काटते हैं, 9 × 6 = 36, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, यानी 60 की चीज है वो 48 की हुई जा रही है, कितने की हुई जा रही है, 48 की, तो 60 पर कितने का डिस्काउंट है, 60 पर कितने, 60 पर डिस्काउंट कितने का है, तो यहां पर ध्यान देना है कि 60 पर जो डिस्काउंट है वो 12 रुपए का है, कितने रुपए का है, 12 रुपए का छूट है, 60 रुपए का अंकित मूल्य है, 48 का बेचा जा रहा है, तो छूट कितने की मिली, 12 की अगर छूट मिली है, मिली छूट मिलती किस पर है, तो अंकित मूल्य पर, तो 60 पर 12 को चेक करेंगे इंटू 100%, बड़ा आसान होता है, ठीक है, 12 × 5 = 60 और 5 से इसको काट दिया, 5 से काटेंगे, 20 × 5 = 100, यानी आंसर 20%, कितना आ जाएगा, 20% योर आंसर, बात क्लियर है, कितना आंसर आ जाएगा, 20%। दूसरा बट्टा, सेकेंड वाला बट्टा कितना था, 20% था, क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पर चलें, टाइप 7 पर चलते हैं, ये लो टाइप 7, समतुल्य बट्टा पर आधारित
प्रश्न है ये कुछ, उनको देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा 5% और 10%, 5% और 10% का मतलब है दो बट्टे के समतुल्य कौन सा बट्टा होगा। इसको करने का भी तरीका सीख लेते हैं कि कभी अगर दो बट्टे दिए जाते हैं तो उसका समतुल्य, कोई फार्मूला होता है फार्मूला नहीं लगाएंगे, हमारी तरीके से आप करिएगा जल्दी से। तो 5% का मतलब होता है यहाँ पर एमपी और एसपी निकालोगे, एमपी और एसपी बट्टा दिया है तो अगर डिस्काउंट परसेंट में दिया गया है तो उससे आप एमपी और एसपी लिखोगे, एमपी और एसपी लिखोगे, ठीक। तो यहाँ पर पहला वाला बट्टा कितना है 5% है, 5% तो 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20। 20 क्या है, 20 एमपी है और 1 क्या है, 1 डिस्काउंट है, 1 डिस्काउंट है। हम ये जान गए 20 रुपये अगर एमपी है उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा 1 रुपये का, तो चीज़ एसपी कितने की हो जाएगी, एमपी और एसपी लिखते हैं एसपी हो जाएगी 19 की, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर इसके बाद 10% का बट्टा, 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 नीचे वाला एमपी, जब डिस्काउंट की बात होगी तो नीचे वाला क्या होगा एमपी, ऊपर वाला डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पर ही मिलता है। तो हम कहेंगे 10 की चीज़ 10 एमपी थी, उस पर 1 का डिस्काउंट, यानी चीज़ कितने की, 9 की बिक रही है, इसको भी हटा दो। ये पहला बट्टा फर्स्ट, ये सेकेंड बट्टा, तो समतुल्य बट्टा यहाँ पर हम लिख लेंगे, समतुल्य बट्टा यहाँ पर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर कितना आ गया 200 और 19 समैया कितना है 171, तो 200 से कितना कम है वही तो बट्टा बताएगा, तो 200 से बच्चे ये जो कम है ना वो कम कितना है, तो कम है 29, कितना कम है 29। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी छूट है, ये तुम्हारी क्या है छूट है। अगर 200 की चीज़ होती 171 की बिकती तो छूट कितने की है 29 की है। ये जो 29 रुपये छूट है ये किस पर है, 200 पर है, 200 पर 29 रुपये का छूट है इनटू 100%। ये समतुल्य बट्टा आएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से बच्चे इसको जैसे ही काटेंगे तो कितना आएगा 2×2, 2×8, 0.5%, 14.5%। समतुल्य बट्टा क्या बन जाएगा, 14.5% का समतुल्य बट्टा बनेगा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं। चलो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, सौ पर 171 हो रहा है, आप डायरेक्ट यहीं पर काट देते, 2 से इसको काट देते तो 100 पर कितना, 100 पर आ जाता ना, 2 से काटते 100 इधर आ जाता और इधर आ जाता कितना कि 2×16.25 अच्छा दशमलव भी नहीं लगेगा, 85.5। तो 100 से 85.5 घटा देंगे कितना छूट है, तो हम 100 पर देख रहे हैं ना सीधा, तब भी आ जाता कि 14.5%, ये हो जाता आंसर, क्लियर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समतुल्य बट्टा करना बड़ा आसान है। देखो अब जैसे ये 20 और 30 जब भी आते हैं, 0-0 लगे हों तो बड़ा आसान होता है, 20 और 30 का निकालना, तो 10 पर चेक करो, 10 पर 20%, 10 का 20% होता है 2, और 10 पर 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 8, डिस्काउंट हो रहा है 8 की बिकेगी चीज। अब 10 का 30%, तो 10 का 30% होता है 3, तो 10 पर 3 का छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये कितना है 57, 56, ये कितना है 10 दहम, 100, 100 से छूट कितने की है, 100 की चीज 56 की बेची जा रही है, तो छूट कितने की है, छूट ये क्या है समतुल्य छूट है, दोनों जो तुम्हारी छूटे थी उसकी समान छूट कितनी हो जाएगी, 100 से 56 हो रही चीज, यानी कि तुमने यहाँ पर देख लिया कि 44% की क्या हो रही है छूट हो रही है, क्लियर 44, अच्छा परसेंट क्यों, क्योंकि 100 पर 44 की छूट है तो 44% की छूट है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 नंबर भी तुमने बहुत ही आसानी के साथ कर लिया है, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, अच्छा अभी इसका एक बाकी है, ये 40 और 30 भी देख लेते हैं, ये वाला 40-30, 10 का 40% होता है 4, छोड़ा तो 6 हो गया, 10 का 30% होता है 3, 10 पर 3 छोड़ा तो 7 हो गया, 7×42, 10 दहम 100, कितना कम है 58, 100 पर तो 58%, योर आंसर।
क्लियर 142 58%, तो 58% के क्या है बट्टा क्या है समतुल्य है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तीन क्रमिक बट्टे हैं, तीन भी हम निकाल लेंगे कैसे, 30% 20% 5%। तो 30% 20% को तो हम बड़ी आसानी से लिख लेंगे कि अगर 10 की चीज थी तो 30% का बट्टा है तो 7 की हो जाएगी, 10 का 30% 3, तो 10 पर 3 छोड़ दिया तो 7, 10 का 20% तो 20, 10 का 20% 2 और 2 छूट दे दिया तो कितने की हो जाएगी चीज, 8 की। 10 पर ही अगर निकालना चाहते हो, नहीं 10 पर नहीं निकालना चाहते तब हम क्या करेंगे, तब चलिए वीडियो बंद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तीन क्रमागत बट्टे 30% 20% 5% के समतुल्य है, इसका मतलब क्या, 30% 10 पर निकालेंगे तो 10 का 30% होता है 3 तो 7 हो जाएगा, 10 का 20% अगर 10 पर 20% की छूट दोगे तो 10 का 20% होता है 2, 2 की छूट 8 की हो जाएगी चीज, और 10 का 5% 0.5 होता है तो 10 पर कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। आप इनका इनका गुणा कर लोगे तब भी निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पर हम 0.5 में नहीं करेंगे कुछ। अब 5% की वैल्यू रख दो, 5% की वैल्यू क्या होती है, 5% को कहते हैं 1/20, यानी अगर यहाँ पर चीज 20 की होगी तो 20 पर 1 की छूट कितने की हो जाएगी चीज, 19 की, ठीक है 19 की हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पर देखो जरा बच्चे, यहाँ पर जो कट है जैसे 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, ठीक है, 2 से इसको भी काट दो, नहीं तो 10 × 2 = 100 × 5 = 500, चलो 500 पर चेक करते हैं, ये 500 आ गया, ये 7 × 2 = 14, 19 × 4 = 76 के 6 यहाँ से लगे, 7 × 2 = 14, 19 × 4 = 6, 7 × 19 = 19 और 19 × 7 हो जाएगा कितना बच्चे, 19 × 7 हो जाएगा 26, 266, 500 पर 266 की छूट है, तो हम कहेंगे 500 पर 266 कितना छूट है, तो घटा लो 10 × 6 = 4, यहाँ पर 9 × 9 = 3, यहाँ पर बच्चा 4 × 4 = 2, 234 की छूट है। जीरो से ये जीरो कैंसिल, बस 5 से काटना है, तो 5 × 20, 5 × 20 3, 5 × 30 0.540, 46.8% का समतुल्य बट्टा बनेगा, कितना बनेगा। हाँ तो आंसर आपका कितना है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं, 46.8 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, तो यहाँ पर 16 निकाल लिया है, अगला क्वेश्चन है ये भी कर लेते हैं, लास्ट टाइप है, 10% 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा ज्ञात कीजिए यदि क्रमागत छूट, और दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, 10% 20% के समतुल्य ज्ञात करना है, 10% का मतलब 10 से कितना हो रहा है, 10 का 10% 1 यानी 10 से 9, 10 का 20% 2 यानी 10 से 8, 10 का 2 पर छूट दो तो 10 पर, तो 10 × 2 = 100, 9 × 72, 10 से 72 कितने की छूट है, तो हम कहेंगे सर जी 10 से 72 = 28 छोड़ा गया है, और 100 पर छोड़ा गया तो 28% कितना, 28%, तो क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 20 ऑप्शन, ठीक है आप इसको करिए और बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।